नमस्कार, स्वागत है आपका सनमार्ग के न्यूज रूम लाइव में। मैं अभिषेक मिश्र आज आपको फिर से एक बार भागलपुर की तमाम खबरों के साथ साथ देश दुनिया की तमाम हलचलों से अवगत कराऊंगा। सबसे पहले बात करते हैं आज झारखंड विधानसभा का जो चुनाव हुआ था उसका परिणाम आ गया। परिणाम में सत्तारूढ़ जो बीजेपी पार्टी थी उसको भारी नुकसान हुआ है। 37 सीट से बीजेपी घटकर 25 सीट पर आ गई। वहीं महागठबंधन जेएमएम के नेतृत्व में जो महागठबंधन इस पर चुनाव लड़ रहा था उसे भारी प्रचंड बहुमत मिला है और कुल 47 सीट महागठबंधन को मिले हैं। वहीं कभी बीजेपी की सहयोगी रही और ऐन चुनाव के वक्त अलग हो गई आसू को 3 सीट मिले हैं। जेबीएम को भी 3 सीट मिले हैं और अन्य के खाते में 4 सीटें आई हैं। सबसे बड़ी बात रही कि जो सरयू राय मुख्यमंत्री रघुवर दास के कैबिनेट के मंत्री थे सरयू राय, उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़कर मुख्यमंत्री रघुवर दास तक को हरा दिया है। उनका जो पहला बयान आया जीत के बाद उन्होंने कहा कि व्यक्तिवाद परिवारवाद ज्यादा नुकसानदायक है। बीजेपी में जाने पर उन्होंने कहा कि बीजेपी की विचारधारा से मैं शुरू से रहा हूं, एक दिन विचारधारा चेंज नहीं होती, पर राजनीतिक तौर पर मैं बीजेपी से जुड़ा हुआ नहीं हूं, लेकिन मुख्यमंत्री के अहंकार का खामियाजा बीजेपी को भुगतना पड़ा है, तो उन्होंने ये तीखा बयान दिया। वहीं बात करें भागलपुर की खबरों की, तो भागलपुर में जनवरी में 19 जनवरी को जल जीवन हरियाली को लेकर मानव श्रृंखला बनने जा रही है, उसको लेकर आज डीडीसी सुनील कुमार ने सही पदाधिकारी के साथ बैठक की है भागलपुर में और 2 जनवरी तक इस मानव श्रृंखला को लेकर एक्टिविटी शुरू करने का पदाधिकारी को निर्देश दिया है। क्या कुछ इसमें खास है हम जानते हैं प्रवीण जी से। जी, आगामी 19 जनवरी को जिले में मानव श्रृंखला का निर्माण होना है। इसके लिए जिला प्रशासन के द्वारा लगातार तैयारी की जा रही है, लगातार बैठकें की जा रही हैं। आज डीडीसी सुनील कुमार ने जिला स्तरीय सभी पदाधिकारियों के साथ बैठक की एवं उस संबंध में आवश्यक निर्देश दिए। उन्होंने शिक्षा विभाग व आंगनवाड़ी से जुड़ी हुई सेविकाएँ, आशा कर्मी, इन लोगों को निर्देश देते हुए कहा कि जो भी गतिविधियां हैं वो 2 जनवरी से निश्चित रूप से जगह जगह शुरू कर दिया जाए। स्कूलों में क्विज प्रतियोगिता हो, चित्रकला प्रतियोगिता, दीवार लेखन सहित जो भी है गतिविधियों को 2 जनवरी से लगातार चलते रहना है और 18 जनवरी तक ये प्रक्रिया चलती रहेगी। कला जत्था की टीम के द्वारा पूरे ज़िले में जगह जगह गीत संगीत के माध्यम से वातावरण निर्माण का काम किया जा रहा है। पंचायत स्तर पर भी जनप्रतिनिधियों का सहयोग लेने का निर्देश दिया गया है। ये तो रही यहाँ, और सबसे बड़ी खबर आज जिले में है क्या कि ये शीतलहर जो है, शीतलहर से सभी लोग परेशान हैं। आज भी तापमान 7 डिग्री के आसपास बना रहा। शीतलहर के कारण जिले के सभी प्राथमिक और मध्य विद्यालयों को बंद कर दिया गया है, पठन पाठन स्थगित किया गया है, कक्षा 10 तक के छात्र स्कूल नहीं जाएंगे, ये जिला पदाधिकारी के द्वारा आदेश दिया गया है। और साथ ही खाद के किसानों को जो खाद की कमी होती थी तो खाद का भी आवंटन कर दिया गया है। जिले में अभी 426 मैट्रिक टन खाद की आपूर्ति हुई है जिसे प्रखंडवार आवंटित भी कर दिया गया है। तो यही मुख्य खबर रही आज यहाँ की। बिल्कुल, वहीं संविधान बचाओ देश बचाओ के बैनर पर आज भागलपुर के शाहजंगी मैदान में हजारों की हुजूम जुटी है। तमाम मुस्लिम धर्मगुरुओं ने वहाँ पे शिरकत की और केंद्र सरकार जो द्वारा लाए गए कानून है, नागरिकता संशोधन कानून, उसका विरोध किया है। साथ ही एनआरसी की भी जमकर आलोचना की है। इस कानून को लेकर उन्होंने केंद्र सरकार को जमकर घेरा है, कोसा है। क्या कुछ खास इसमें जानते हैं राजीव से? जी राजीव जी। हाँ अभिषेक जी, एनआरसी के और सीए के विरोध में जो है आज शाहजंगी के मेला मैदान में भारत बचाओ देश बचाओ के तहत विशाल रैली का आयोजन किया गया जिसमें मुस्लिम संप्रदाय के सभी धर्मगुरुओं ने शिरकत की। साकार आलम शाहबाजी ने इस एक्ट का पुरजोर विरोध करते हुए जो है कहा कि यह एक्ट जो है पूरी तरह देश को खोखला करने वाला एक्ट है, यह संविधान और लोकतंत्र दोनों खतरे में है।
वहीं दूसरी ओर जो है एनआरसी और सीए के समर्थन में भारत बचाओ समिति के तत्वाधान में मंगलवार को घंटाघर चौक पर विशाल प्रदर्शन का आयोजन किया जा रहा है। समिति के संयोजक हरविंद नारायण भारती ने बताया कि यह पूरी तरह सरकार का फैसला जो है न्यायपूर्ण है। उन्होंने लोगों से भी अपील किया कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुंचकर एनआरसी के समर्थन में भागीदारी को सुनिश्चित करें, ये मुख्य रूप से रहेगा। वहीं अपराध की खबरों की बात करें तो जीरो माइल थाना क्षेत्र से जीरो माइल थाना पुलिस ने दो शातिर चोरों को बरारी से गिरफ्तार किया है। वहीं पिछले दिनों जीरो माइल थाना क्षेत्र में ही रानी तालाब पास एक युवक का अज्ञात युवक था जो घायल अवस्था में जिसको पुलिस ने बरामद किया था, वो पुलिस की वर्दी में था। वो इलाज के दौरान उस युवक की मौत हो गई है। महेशगंज अस्पताल के पोस्टमार्टम हाउस में उसका शव रखा हुआ है, लेकिन अभी तक उसकी पहचान नहीं हो पाई है। वहीं सदर अस्पताल में आज शिष्टमंडल पहुंचा स्वास्थ्य महकमा का और उन्होंने वहाँ का जायजा लिया है। इससे इतर सीएस ने सभी निजी क्लिनिकों को हिदायत दी है कि जिनका रजिस्ट्रेशन रद्द हो गया या जिन्होंने रजिस्ट्रेशन कराया, जो निजी क्लिनिक चला रहे हैं, वो अपना रजिस्ट्रेशन करा लें। तो क्या कुछ खास है जानते हैं जी? अभिषेक जी, आज IMA के शिष्टमंडल की एक टीम सदर अस्पताल पहुंची, जहां पर सीएस विजय कुमार सिंह से मुलाकात की और मुलाकात के दरमियान में बहुत सारी बातों को रखा गया, जिसमें सीएस ने शक निर्देश दिया है कि जिनका भी निजी क्लिनिक चल रहा है या प्राइवेट नर्सिंग होम है, उन नर्सिंग होम का रजिस्ट्रेशन या तो फेल हो चुके हैं या तो फिर नहीं कराए हैं, उनको विगत 10 दिनों के अंतराल में सभी लोगों को रजिस्टर्ड कर लेना है। उनके लिए फॉर्म भी जारी कर दिया गया है, फॉर्म मिल रहा है, 3 दिनों के अंदर जो है उन लोगों को दिया गया है, फॉर्म भर करके उनको सीएस में जो के पास जमा कराएं, जिससे कि उनका रजिस्ट्रेशन निश्चित तौर पर किया जा सके। वहीं पर मेडिकल कॉलेज के छात्र छात्राओं जो पोस्ट ग्रेजुएट हैं, जिनका कि अब तक स्कॉलरशिप विगत 6 माह से भुगतान नहीं हो पाया है, उसके लिए आज वो लोग पुनः प्राचार्य हेमंत कुमार सिन्हा से मुलाकात की है, जिसको लेकर के जो है छात्रों ने यह आगाह कराया है कि अगर इस मंथ के अंतिम सप्ताह तक नहीं अगर भुगतान हो पाएगा तो आने वाले दिनों में पोस्ट ग्रेजुएट सभी छात्र छात्राएं मेडिकल सेवा को बाधित कर देंगे। वहीं पर जो है ये अगर क्राइम की बात करें तो पुलिस ने आज जगह जगह जो एक सेमिनार यहाँ पे जो है अधिवेशन चल रहा था, उसमें जो है जगह जगह छापेमारी भी की जा रही थी। छापेमारी के अभियान के तहत जीरो माइल थाना पुलिस ने 2 शातिर चोर को गिरफ्तार किया है। इन चोरों के द्वारा जीरो माइल थाना क्षेत्र के बगल में ही जो है कॉलोनी में जो है वहाँ पे चोरी की गई थी। चोरी की घटना को अंजाम देने के बाद चोर भाग गए थे, जिसको जो लेकर के जो है गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने छापामारी किया, वहाँ पर ही गिरफ्तार किया। वहीं पर जो है अज्ञात युवक को जो है जख्मी हालत में जो विगत दिनों बरामद किया गया था जीरो माइल पुलिस के द्वारा, उसे मायागंज अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया था। इलाज के दौरान ही युवक की मौत हो गई, लेकिन अब तक पुलिस उसकी पहचान नहीं तलाश पाई है। इसके लिए जो है जाँच अभियान चल रही है। पहचान नहीं होने के बाद मृत्यु के उपरांत जो है मृत्यु के बाद युवक को आप पोस्टमार्टम करा करके शव गृह में रखवाया गया है। पुलिस ने आशंका व्यक्त की है कि अगर इसकी पहचान 72 घंटे के भीतर हो जाती है तो ठीक है, नहीं तो इसका अंतिम संस्कार करवा दिया जाएगा। जी, तो ये मुख्य खबर रही अपराध की और अस्पताल की। वहीं बाकी खबरों की बात करें तो अमरपुर में कल बस स्टैंड के पास से एक चाय व्यवसायी का अपहरण कर लिया था अपराधियों ने, और आज उसका बॉर्डर के पास, अमरपुर बॉर्डर के पास, उसका छत विच्छत अवस्था में शव बरामद हुआ है। प्रथम दृष्टया सबको देखकर लग रहा है कि उसकी गोली मारकर उसकी हत्या कर दी गई है। वहीं कोशी की खबरों की बात करें तो सुपौल के पिपरा प्रखंड में आज दीनापट्टी गाँव पहुँचे थे सुपौल के DM, SP और SDO,
इन्होंने वहाँ जाकर जल जीवन हरियाली को लेकर विभिन्न पोखरों तालाबों का निरीक्षण किया, वहाँ का जायजा लिया, आप दिशा निर्देश भी देते हुए दिखे हैं। वहीं सहरसा के सिमरी बख्तियारपुर में जो NRC कैप को लेकर जो बंदी कराई गई थी उसमें जो उपद्रवी तत्वों ने उपद्रव मचाया उन्हें चिन्हित कर उनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। क्या कुछ खास हम जानते हैं अभय जी? जी अभय जी। जी अभिषेक जी, आपने सही फरमाया। अमरपुर में पिछले दिनों एक चाय व्यवसायी के पुत्र रितेश कुमार की हत्या कर दी गई। जैसा कि बताया जा रहा था कि महज 4500 रुपये के तगादे को लेकर रवि कुमार नामक एक व्यक्ति ने उसकी हत्या कर दी थी। उसके भाई, मृतक के भाई रोशन कुमार ने बताया कि रवि कुमार के यहाँ उसका उधार था, करीब 4500 रुपया हो गया था। जब उसी के तगादे के लिए उसके भाई ने कहा तो इसी गुस्से में आकर उन्होंने अपने साथियों के सहयोग से उसका अपहरण करवा लिया और फिर दूर ले जाकर उसकी हत्या कर दी, जिसका सब अमरपुर और शंभूगंज बॉर्डर के समीप मिला। तो इस मामले में रवि कुमार के अलावा सोनू भगत और शक्ति यादव को भी आरोपित बनाया गया है। इस मामले को लेकर ग्रामीणों ने जाम रखकर, सड़क जाम कर आगजनी की और विरोध प्रदर्शन किया। वहीं रजौन में पुलिस को एक अहम सुराग मिला है, जिसमें लूटकांड और CSP संचालक चंद्रशेखर प्रसाद सिंह की हत्या से जुड़े आरोपित की खबर मिली है, जिसमें बुलेट अंसारी, इरफान अंसारी और नाजिम अंसारी समेत कई लुटेरों का पता चला है और पुलिस का कहना है कि शीघ्र ही उनकी गिरफ्तारी की जाएगी। तो वहीं अगर नौगछिया की खबरों की बात करें तो नौगछिया में पटना में आयोजित ताइक्वांडो प्रतियोगिता में नौगछिया की 3 खिलाड़ियों ने स्वर्ण पदक और रजत पदक और कांस्य पदक प्राप्त किया है, जिसमें आपका कागत प्रिंस कुमार है और कागत कुणाल कुमार है। इन लोगों ने अपनी उपलब्धि हासिल की। वहीं हम, जैसे कि आपने बताया कि मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर सुपौल के DM ने पिपरा का स्थिति का पिपरा पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया और वहां स्थिति को मद्देनजर देकर आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए। वहीं सिमरी बख्तियारपुर में जो पिछले दिनों उपद्रव हुए उसके खिलाफ 1000 उपद्रवियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया और जिसके संबंध में कहा था कि इन्हें कानून के तहत सजा दी जाएगी। जी जी, धन्यवाद। तो ये कोस्ट क्षेत्रीय खबरें थी। वहीं सीमांचल की खबरों की बात करें तो सीमांचल में आज दिल दहलाने वाला मामला सामने आया है। 13 वर्षीय नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म, सामूहिक दुष्कर्म की घटना हुई है। गांव के ही 2 लोगों ने मिलकर बच्ची के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया है। हालांकि घटना 19 दिसंबर को ही है, लेकिन मामला तब उजागर हुआ जब पीड़िता की मां ने जाकर रघुवंश नगर थाने में मामला दर्ज करवाया है। रघुवंश नगर में गौरा चौकी पंचायत है, वहां दरगाह लेन वार्ड नंबर 1 में जो पीड़िता का परिवार है, 19 दिसंबर की रात्रि में घर के लोग बगल में किसी आयोजन में गए हुए थे। घर में बस पीड़िता थी और उसके दादा थे। दादा ने अपनी पोती को कहा कि गुहाल से गोइठा लाकर आग लगाने के लिए, जाड़े में लोग अक्सर लगाते हैं। पीड़िता गुहाल गई, वहां से गोइठा ला ही रही थी कि पहले से घात लगाए गांव के ही 2 लोगों ने पीड़िता पर धावा बोल दिया। एक ने उसके मुंह पर कपड़ा रख कर उसकी आवाज़ बंद कर दी और उसके बाद बारी बारी से दोनों ने उसके साथ दुष्कर्म किया, जो बिल्कुल मारा था और शर्मसार करने वाला है। वहीं पीड़िता की माँ का कहना है कि जिन लोगों ने ये इस वारदात को अंजाम दिया है उसकी जब शिकायत की गई, उसके लिए पंचायत बैठा, तो पंचायत द्वारा इस मामले में एक तरफा फरमान जारी कर दिया गया और कहा गया कि किसी प्रकार की पुलिस में शिकायत नहीं कर की जाए। और चूंकि उस दिन जब इस वारदात को अंजाम दिया गया था तो शोर शराबे मचाने के बाद पीड़िता द्वारा शोर शराबा मचाया गया था, जिसके बाद और अगल बगल आसपास के परिजन लौटे, लड़की की, पीड़िता की माँ भी लौटी और उसने एक आरोपी को पकड़ लिया था जिसकी धुनाई भी हुई थी।
उस धुनाई करने पर पंचायत ने कहा कि इसको धुनाई की गलत है और ऐसा करने पर तुम्हें गांव से बाहर निकाल दिया जाएगा, हुक्का पानी तक बंद कर दिया जाएगा। पीड़िता की मां का कहना है कि चूंकि जो लोग आरोपित हैं उनके जात बहुल का ही गांव है, हम लोग मात्र दो परिवार यहां पे रहते हैं, तो हम लोग को दाना पानी की समस्या भी है और दिक्कत हो रहा है। हालांकि पुलिस ने त्वरित संज्ञान लिया है और इसमें कुल 16 नामजद आरोपित बनाए गए जिसमें से 8 की गिरफ्तारी भी हो चुकी है। देखते हैं आगे क्या होता है, पुलिस पूरे एक्शन मोड में। वहीं पूर्णिया में बरंगा थाना क्षेत्र में दो अलग अलग मामलों में 3 शराब तस्करों की गिरफ्तारी हुई है, जिसमें से एक शराब तस्कर के पास से देसी पिस्तौल और कारतूस भी बरामद हुए हैं। वहीं बीते दिनों पूर्णिया में ही एक पीडीएस डीलर की गोली मारकर हत्या कर दी थी अज्ञात अपराधियों ने, जिसके बाद से जो पीड़ित परिवार है वो संसद में है और पुलिस की कार्रवाई नहीं होने से वो परिवार डरा सहमा है कि उन लोगों के साथ कुछ वारदात नहीं हो जाए। इसको लेकर बिहार सरकार की गन्ना उद्योग मंत्री बीमा भारती वो पहुंची थी पीड़ित के घर और पीड़ित परिवार को सांत्वना दी है और विश्वास दिलाया है कि बिहार में सुशासन सरकार है, इसलिए उनकी आवाज़ को यहाँ से लेकर पटना तक ले जाएंगे और उनको जो न्याय मिलना चाहिए उसका भरसक प्रयास रहेगा। उन्होंने SP से भी फोन पर बात करने का भरोसा दिलाया और कहा कि त्वरित कार्रवाई करवाई जाएगी और अपराधियों को बिल्कुल बख्शा नहीं जाएगा। तो ये सीमांचल क्षेत्र की प्रमुख खबरें थी। वहीं राष्ट्रीय फलक पैच क्या है, राज्यों की खबरें क्या है, जानते हैं संपादक से। जी अभिषेक जी, आज तो झारखंड ही पूरा देश के पटल पर छाया हुआ है और झारखंड में JMM के नेतृत्व में, हेमंत सोरेन के नेतृत्व में महागठबंधन की बड़ी जीत हुई है और महागठबंधन को 47 सीटें मिलती दिख रही हैं और BJP को 25। झामुमो अभी तक 23 सीटें जीत चुका है, 7 सीटों पर आगे चल रहा है, 30 सीटें उसको मिलती दिख रही हैं। वहीं कांग्रेस 12 सीटें जीत चुकी है, 4 पर आगे चल रही है, उसके हिस्से में 16 सीटें आ रही हैं। राजद एकमात्र सीट पर जीत चुका है और कहीं आगे नहीं है। वहीं JBM बाबूलाल मरांडी के नेतृत्व में 1 सीट जीत चुकी है, 2 पर आगे चल रही है, उसके 3 सीट जीतने की संभावना है। सुदेश महतो के नेतृत्व में आजसू 2 सीट जीत चुकी है और कहीं से भी आगे नहीं है। 4 सीटों पर अन्य जो है आगे चल रहे हैं या जीत चुके हैं। और सबसे बड़ी खबर तो आज की यही रही कि राज्य के मुख्यमंत्री सर रघुवर दास करीब 10,000 वोटों से जो है सरजू राय से हार गए हैं। सरजू राय वही हैं जो पूरे 5 साल जो है सर रघुवर दास की कैबिनेट के मंत्री रहे और अंतिम समय में टिकट कटने के बाद निर्दलीय चुनाव लड़े थे जमशेदपुर पूर्व से। पूरा अगर बात करें झारखंड की तो हेमंत सोरेन दुमका और बरहेट की दोनों सीटों से जीते गए हैं। बाबूलाल मरांडी बड़े नेता हैं, राजधनवार की सीट से जीत गए हैं। सुदेश महतो सिल्ली की सीट से जीत गए हैं और पोड़ैया हाट से प्रदीप यादव जो बाबूलाल मरांडी की पार्टी के हैं और अपनी पार्टी के बड़े नेता हैं, प्रधान महासचिव हैं, वो चुनाव जीत गए हैं। वहीं अभिषेक जी, कांग्रेस के 2 दिग्गज पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सुखदेव भगत और बड़े नेता मनोज यादव दोनों लोग अंतिम समय में पाला बदल के भाजपा में शामिल हुए थे और दोनों लोग चुनाव हार गए हैं। सुखदेव भगत को लोहरदगा में कांग्रेस के मौजूदा अध्यक्ष प्रदेश अध्यक्ष रामेश्वर उरांव के हाथों शिकस्त मिली। वहीं मनोज यादव को पिछली बार भाजपा से चुनाव जीते उमाशंकर अकेला ने बरही में बड़े मार्जिन से हराया। चुनाव जीतने के बाद हेमंत सोरेन काफ़ी परिपक्व नेता की तरह नजर आए और उन्होंने कहा कि आज मेरे लिए जश्न मनाने का नहीं, संकल्प लेने का दिन है और ये झारखंड के लिए नए अध्याय की शुरुआत है। महागठबंधन की सरकार राज्य के हित में जो भी संभव होगा पूरा सारा काम करेगी और उन्हें कांग्रेस और राजद के नेताओं ने भी बधाई दी है। तेजस्वी यादव ने उन्हें बधाई दी है और कहा कि भाई हेमंत सोरेन के नेतृत्व में झारखंड का विकास होगा। वहीं राबड़ी देवी ने कहा है कि झारखंड में सामाजिक न्याय की जीत हुई है और बिहार के लिए ये खतरे की घंटी है, बिहार में अगले साल चुनाव होने हैं।
इस बीच शाम को देर शाम रघुवर दास ने अपना इस्तीफा राज्यपाल को सौंप दिया और उन्होंने कहा है कि भाजपा की झारखंड में जो हार हुई है इसकी जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ मेरी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने भी हेमंत सोरेन और महागठबंधन की जीत पर महागठबंधन को बधाई दी है और कहा है कि हम जना झारखंड में जनादेश का सम्मान करते हैं। उधर इसके अलावा जो एक बड़ी खबर है वो ये है कि आज दिल्ली के राजघाट पर कांग्रेस ने 5 घंटे का सत्याग्रह किया जिसमें सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, मनमोहन सिंह समेत कांग्रेस के तमाम बड़े नेता मौजूद थे। इस मौके पर सत्याग्रह के मौके पर राहुल गांधी, सोनिया गांधी और मनमोहन सिंह ने संविधान की प्रस्तावना भी पढ़ी और राहुल गांधी ने अपने संबोधन में कहा कि नरेंद्र मोदी का नाम तो नहीं लिया, इशारा किया कि जो काम दुश्मन नहीं कर पाए वो काम देश की सरकार कर रही है और भारत माता ही जो है इस सरकार को जवाब दे सकती है। उधर भाजपा के जो है कार्यकारी अध्यक्ष जेपी नड्डा के नेतृत्व में आज बंगाल की राजधानी कोलकाता में विशाल जो है एकदम बहुत बड़ा मार्च निकला एनआरसी और सीएए के समर्थन में। कई लाख लोग इसमें शामिल हुए बताया जा रहा है और इसी तरह अपने बिहार की राजधानी पटना में भी जो है हजारों लोगों ने आज सीए के समर्थन में निकाला मार्च निकाला। भागलपुर में भी कल जो है घोषणा की गई है कि जो है समर्थन में मार्च निकाला जाएगा। इधर एक केंद्र सरकार के लिए झटके की खबर है, वो झटका ये है कि आंध्र प्रदेश सरकार ने भी जो है उसने कह दिया है कि वो अपने राज्य में एनआरसी नहीं लागू करेंगे। मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी ने कहा है कि एनआरसी अब नहीं लागू, हमारे राज्य में नहीं लागू होगी। आपको याद होगा कि एनडीए में शामिल है और एनडीए के ही अपने जो है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहले ही बोल चुके हैं कि जो है हम एनआरसी अपने राज्य में लागू नहीं करेंगे। तो अब सरकार के अंदर ही एनडीए में भी जो है इस तरह की चीज़ें उठने लगी हैं। तो आज की यही खबरें हैं मुख्य बाकी। जी बिल्कुल, जैसा कि मैंने कल ही कहा था कि आज की सबसे प्रमुख खबर झारखंड चुनाव ही होगा और सेहरा किसके सर सजता है, भगवाधारी या धनुधारी के दर सर। तो जनता ने अपना जनादेश दे दिया है और धनुधारी चुना है। प्रस्तावित मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार जो थे हेमंत सोरेन, संभवतः वही मुख्यमंत्री के पद की शपथ लेंगे। रघुवर दास ने अपना इस्तीफा राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू को सौंप भी दिया है। तो आज की यही अहम खबर थी। तो आज के लिए मुझे दी इजाज़त, कल फिर आपके सामने देश दुनिया की ताज़ा खबरें लेकर आऊँगा। सतर्क रहें, सावधान रहें, शुभ रात्रि, गुड नाइट, शब बखैर। सनमार्ग भागलपुर के वीडियोज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।